आज मैं बहुत गर्व हूँ, मेरा यू नो आई एम वेरी प्राउड एंड यू नो आपका इलेक्टेड, और आज हमारी इतने बड़े डिग्नेटरी हमारे साथ हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर टॉन सवादी खा फ्रॉम आवर साइड यूनिवर्सिटी इंडिया. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू डॉक्टर टॉन. थैंक यू सो मच फॉर यू नो स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस. द स्टेज इज ऑल योर्स. आई विल बी डूइंग द ट्रांसलेशन. ऑलराइट. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग इंडिया. थैंक यू. Thank you, Vikash, for your kind words, for the introduction. So, I was fine until a few seconds ago when I realized that I would have a chance, first time in my life, to say, good morning, India. How many people would have a chance to say something like this? मैं अभी तक थोड़ी देर पहले तो बहुत ठीक था, लेकिन आज मैं पहली बार मैं good morning, India बोल रहा हूँ. पता नहीं ऐसे गुड मॉर्निंग इंडिया बोलने के लिए कितने लोगों को चांस मिलेगा. You will know why when I explain to you later. मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि क्यों मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी को मतलब गुड मॉर्निंग इंडिया बोलने के लिए. First of all, I would like to thank University India for giving me this opportunity to come out to talk to you. मैं यूनिवर्सिटी इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज मेरे को इस मौका दिया है. मैं आज आपके सामने आपको बात कर रहा हूँ. Because every time when I was asked to say something, it's like a chance for me to look back into my life. And every time I did that, though I do that, I learned something new about myself. कभी भी मेरे को ये मौका मिलता है कि यार आप अपने बारे में कुछ बात कीजिए, मैं पीछे मेरे जो लाइफ अभी जो बीत चुके हैं मैं उसके बारे में रिफ्लेक्ट करने का मेरे को दोबारा एक मौका मिलता है. So, if you notice from the photos of mine a while ago when Vikash introduced me, मैंने जब आपको जो फोटो आप दिखा होगा कि जब मैंने इनका इंट्रोड्यूस मतलब जो इंट्रोडक्शन किया था तो कुछ फोटोज डाले थे वहाँ पे. You probably noticed that the way I stood in the photo, that I put my hands in front of me. Looks like I was आपने शायद देखा होगा कि मैंने अपने दो हाथ को जोड़ के आगे आपको सामने रखा था. मैं बहुत सीधा साधा था, एकदम आपके सामने खड़ा था वहाँ पे जब मैंने फोटो ले रहे थे. The truth, it's because I feel insecure. सच्चाई ये था कि मेरे में डर था. I feel that maybe I'm not good enough. मेरे को लगता कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, सही नहीं हूँ. I realize that the reason of my success, everything coming from only one word. मेरा जो सक्सेस का जो रीजन है वो खाली एक ही शब्द से आप उभर के आता है. Well, inferiority complex. मेरे में जो डर था अंदर में. Well, I kid you not. I guess because I'm not, I feel that I'm not good enough. That's why I keep studying. क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद मैं सही नहीं हूँ या फिर मैं मतलब पूरी तरह से नहीं आता हूँ उभर के, तो मैं क्या करता हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए मैं हरदम पढ़ते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ. Coming out from the med school, I still feel that I'm not a good doctor yet. मैं मेडिकल स्कूल से बाहर निकलने के बाद भी मतलब पढ़ने के बाद आपको पढ़ के निकलना थी, मेरे को ये लगा कि शायद मैं अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा कि नहीं या फिर अच्छा डॉक्टर हूँ नहीं. I feel that that's a chance I might do harm more than any good. मेरे को कभी कभी लगता था कि शायद मैं ज्यादा प्रॉब्लम ना कर दूं कि अच्छा आपको सॉल्यूशन करने से ज्यादा प्रॉब्लम तो ना कर दूं. I think that's why I went so far to the point that I got the spine fellowship in America. मेरे को तो मैं इस हिसाब से भी आगे बढ़ा कि मैं यूएस में जाके स्पाइन फेलोशिप भी मैंने कर लिया जो रीढ़ की हड्डी की पढ़ाई. And because I feel insecure, so that's why I try to find something that make me feel proud of. क्योंकि ये जो मन में जो मेरा जो मैंने आपको बताया डर हरदम लगा रहता था, तो मैं क्या करता था कुछ ना कुछ बहाने में ढूंढते रहता था जो जो मेरे को बहुत अच्छा लगे मतलब गर्व लगे अपने बारे में. To be honest with you, I didn't know about all these until it's over. Then I look back. That's when only time that I realize that, oh, that's what happened. तब तक मेरे को पता नहीं था कि जब तक मैंने अपने आप को रिफ्लेक्ट पीछे देख के नहीं देखा मैंने. Like I went to the medical institute in Chicago because it's world class, so everybody would know
So if I say that I graduate from this institute, then people will know, oh, okay, he has a good education. Then I will feel safe. क्योंकि मैं जब शिकागो में जब वो पढ़ने के लिए गया था आपको जो स्पाइन के बारे में जो रीढ़ की हड्डी के बारे में तो मैं इसलिए गया था कि क्योंकि वो कॉलेज का बहुत बड़ा नाम था और मेरे को मन में ये लगता था कि मैं अगर वैसे कॉलेज से पढ़ूंगा तो लोग मेरे को जानेंगे बोले अरे वाह यार ये तो इतना बड़ा डॉक्टर है कि इतने बड़े कॉलेज से पढ़ा हुआ है. When I came back to Thailand, I worked for one of the best hospitals in Thailand, which is an international hospital. Again, based on feeling insecure. जब मैं वापस थाईलैंड आया तो मैं काम करना शुरू किया जो थाईलैंड के जो सबसे बेस्ट इंटरनेशनल हॉस्पिटल है क्योंकि मन में वही एक डर था. I was afraid that if somebody asked my parents, "Hey, where does your doctor's son working at?" I was afraid that my parents would feel ashamed. So that's why I picked the best hospital. मेरे को डर लगता था कि यार लोग मेरे माता पिता को पूछेंगे अरे यार आपका जो डॉक्टर जो पुत्र है सुपुत्र है वो कौन से हॉस्पिटल में काम करता है. अब क्योंकि मेरे को डर लगता था तो मैं क्या करता था तो मैंने उसका मैंने बेस्ट इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो थाईलैंड में है मैं उसमें ज्वाइन किया क्योंकि एक डर हरदम था एक फियर मेरे मन में. सीरियसली इफ दे डिडंट टेक मी इन आई माइट इवन एंड अप वर्किंग समथिंग एल्स नॉट बीइंग अ डॉक्टर एट ऑल. शायद मैं वहां पे अगर मेरे को मतलब काम करने का मौका अगर नहीं मिलता तो शायद मैं आज वो डॉक्टर भी नहीं होता मैं और कुछ काम कर रहा होता. Then I think if you look at what I just shared to you about my life, do you think it's very shallow? मैंने अभी जैसे आपको जो शेयर किया क्या आपको लगता नहीं कि बहुत मेरा जीवन बहुत खोखला था पहले बहुत खोखला एकदम. But why do I have to share all this to you? पर मैं ये सब आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं? Because for me, when I choose to work with Unicity, it's not because of Unicity in the beginning. मैं Unicity में काम करना इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि मैं Unicity को जानता था पहचानता पहले से ही. Life as a spine surgeon working in a private hospital, I make a decent income. Well, a lot. मेरा जीवन मेरा इनकम अगर देखा जाए एज ए स्पाइन सर्जन एक अच्छे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं कि मेरा जीवन कोई मुश्किल था मैं काफी अच्छा पैसा काफी ज्यादा पैसा कमाता था. So then what happens that I realize that the more income I have, the better quality of life I have as well. मैंने जैसे काम करना शुरू किया तो मेरे को एक चीज नोटिस हुआ कि यार अगर हम इनकम अगर ज्यादा कमा सकते हैं तो मेरा जीवन व्यतीत करने का जो तरीका है वो और भी बेहतर होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होगा. डोंट गेट मी रॉन्ग आई यूज्ड टू बी वर्क इन नेवी सो दैट मींस दैट आई वाज यूज्ड टू गेटिंग द सैलरी एज अ सोल्जर व्हिच इज वेरी टाइनी. मेरे को आप गलत मत समझिएगा मैंने नेवी में भी काम किया था एक सोल्जर की तरह जहां पे मेरी तनख्वाह बहुत कम होती थी. Because of that, that's why I see that what happened between my life in the past and my life in the current status that income doesn't change me. I'm still who I am, but it changed the quality of my life and my loved ones. मैं जैसे था पहले जैसे जैसे मैं नेवी में था पैसे कम आपको कम थे और आज जिस सिचुएशन में हूँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इंसान आपको कभी नहीं करता है लेकिन पैसे होने से क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरा और मेरे परिवार का डेफिनेटली चेंज होता है. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई ऑलवेज फील इनसिक्योर. मैंने आपको हरदम बोला है पहले से कि मेरे में एक इनसिक्योरिटी था एक डर था. एंड दैट फीलिंग दैट मेक मी फील दैट What if one day that I woke up but I no longer be able to do the surgery again? एक यही डर मेरे मन में हरदम लगा रहता है कि क्या ऐसा हो कभी कि मैं अगर एक दिन एक सुबह उठूं और मैं वो सर्जरी ना कर पाऊं क्या होगा? And that means flow of income will be stopped right there. वही जो इनकम अच्छा इनकम आ रहा था वही रुक जाएगा. I know I could survive. मेरे को पता कि मैं कैसे भी आपको जीवन व्यतीत कर लूंगा सर्वाइव कर लूंगा. But it will be okay that
that everybody has to lower their life quality of life because of me? मेरी वजह से क्या मेरे परिवार पूरे को उसका भुगतना आपको पड़ सकता है क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्होंने व्यतीत कर रहे हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगा बस मेरी एक ही वजह से I'm talking about everybody who I love, my family, my wife. मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे पूरे परिवार मेरी धर्मपत्नी मैं जिसको बहुत प्यार करता हूँ It was just a thought at that time. ये एक खाली मेरा एक सोच था वो उस समय का कि अगर ऐसा हो जाए कि मैं एक सुबह उठूं और मेरा हाथ काम करना छोड़ दे मैं सर्जरी ना कर पा रहा हूं क्या होगा It was a thought but I couldn't get rid of it it kept growing more and more to the point to be a concern deep down in my inside ये तो एक खाली सोच था मेरा लेकिन ये सोच बहुत बहुत बड़ा आकार आपको लेते गया और ये हरदम यहाँ पे खटकता गया कि यार ऐसा हुआ तो क्या होगा और ये हरदम मेरे मन में घर करते गया हरदम I think that was be that that was a time that was I was approached by somebody else to pass the opportunity to me वो ही समय में था कि किसी ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया It's true conversation may be related about the money that the chance I can make more money हम लोग जब बात कर रहे थे तो वो पैसे के बारे में बात आ रहे थे कि पैसे जहां पे आप इतना यहां पे कमा रहे हो यहां आपको यहां पे भी उससे भी ज्यादा कमा सकते हो But the key word that hit me is not about making more money लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को अच्छा लगा जो मेरे को दिल में लगा इस पैसा नहीं है But the word that she used to say to me which was the chance to have the freedom live my life with no concern उन्होंने मेरे को एक चीज जो मेरे को दिल में बहुत आपको अच्छा लगा इज मैं अपना जीवन अपने हिसाब से व्यतीत कर सकता हूं ये मेरा दिल में आपको लगा For me, that is much larger than money. ये पैसे से भी बहुत बड़ी चीज है I know with my ability that I could make more money मेरे को इतना पता है कि मेरे को इतना पता है कि मैं अगर मेहनत करूं मेरे क्षमता के हिसाब से मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं As a surgeon, सर्जन के हिसाब से भी मैं अगर मैं सर्जरी आपको करूं तो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूं But that wouldn't take away my fear, my concern about my life because the chance that I wake up and then I feel numb in my hand or my hands are shaking like this, that's already killed everything. लेकिन ये जो डर था जो मेरे मन में कि यार मैं एक दिन सुबह उठूं और मेरा हाथ कांपना लगे और मेरा हाथ काम आपको ना करे मैं सर्जरी ना कर पाऊं वो एक जो डर जो मेरा मन में था वो डर निकल नहीं रहा था लेकिन बहुत बड़ा हो रहा था That's the main reason and that's because of that so when I look at New City from the eyes of somebody who needs it मैं इसलिए यूनिवर्सिटी को इस नजरिया से देखता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह है जिनको समय और लाइफ आराम से हमें जो आपको व्यतीत करने का जो तरीका है वो यूनिवर्सिटी प्रदान करती है When I say it, the word just it, but definition of it is much larger. मैं खाली it बोलता हूँ लेकिन हम अगर इसको डिफाइन करें तो बहुत बड़ा है The word it for me means money with no concern. That will solve the problem about feeling insecure inside of me. ये जो इट अभी जैसे सर ने बताया वो पैसा एक कारण है लेकिन वो पैसा ऐसा है जो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो पैसा आना ही है हम अगर मेहनत करें तो In my life, I changed to many places. I'm talking about places I studied from town to another town, from one country to another country. मैं मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे काम किया है बहुत सारे जगह मैंने गए हैं मतलब गया हूं I learned that every time I change a place like this I have to the process for me to learn something new I have to do something first there's a priority I have to do first मैंने एक चीज सिखा है कि जब मैं एक जगह से दूसरी जगह में चेंज करता हूं तो कुछ सीखने का मौका मिलता है या फिर कुछ मेरे को सीखना पड़ता है I give you example मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ When I went to America, जब मैं अमेरिका गया था
That time, I was the head of the department of orthopedic in Naval Hospital. मैं हॉस्पिटल में मैं हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट था उस टाइम में. My rank in Navy was commander. मैं नेवी में उस समय में कमांडर के रैंक पे था मैं. So I thought that I knew everything. तो मेरे को आपको लगता था कि यार मैं कमांडर हूँ नेवी में तो मेरे को सब कुछ पता है. So when I went there, my teacher, when they tried to teach me something, in my head, it's always, oh, I knew that already. Oh, I've done that already. तो उस समय में जो मेरे टीचर आपको थे, तो वो कभी-कभार अगर हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते थे, तो मेरे को था, अरे यार मैं तो ये भी जानता हूँ, वो जो बोल रहे हैं यार ये तो मैं तो वो भी जानता हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ. So how on earth could it be possible that I could learn something new when I told myself that I knew it already? तो ये कैसे हो सकता है कि जब मैं मेरे दिमाग में मैंने ये भरा के रखा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो नया ऐसा क्या है जो मैं आपको सीख सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरा बोल के रखा हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ. So what I need to do first is to unlearn. सबसे पहला काम जो मेरे को करना पड़ा या फिर मेरे को करना पड़ेगा इज अनलर्न. जो मैंने सीखा है उसको पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा. Only when I finish the process of unlearn, that's when I can relearn. मैं जब तक वो प्रोसेस जो मेरा जो जितना जो मैंने पहले सीखा है उसको निकाल के बाहर नहीं रखता हूँ, तब तक मैं और कुछ आगे मैं नहीं सीख पाऊंगा. The reason I mentioned about unlearn and relearn. The reason मैंने आपको क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब हम लोग ये जब तक ये अपना पिटारा खाली करके कुछ सीखने की अगर ये नहीं रखेंगे. Because my first year working with university, I didn't have the success. पहला साल जब मैंने यूनिवर्सिटी में काम किया, जब मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे को कुछ सक्सेस हासिल नहीं हो. When I look around, there's most of the people, they're not doctors. जब मैं सामने सामने में देखता था मेरे अगल बगल थे, तो बहुत सारे लोग तो डॉक्टर्स थे भी नहीं. But they have the bigger result than me. लेकिन उनका रिजल्ट मेरे से भी बड़ा था. Thailand, we have around 70 million people. थाईलैंड में करीबन 70 मिलियन पॉपुलेशन है. When I look at Korea, they have around 55 million people. Korea has around 55 million people. मैं अगर कोरिया में अगर देखता हूँ तो करीबन 55 million population है, मतलब वहाँ पे लोग हैं. They have a huge result. वहाँ पे बहुत बड़ा result है कोरिया में. I would say maybe 50 times more than in Thailand. शायद 50 गुना ज़्यादा आपको result है शायद थाईलैंड से भी. But I didn't see any doctors who reach to the top. लेकिन मैंने वहाँ पे ऐसे कोई डॉक्टर्स जो बहुत ऊपर रैंक तक पहुँचे मैंने वहाँ पे वैसे देखा नहीं. That's when I realized that I have to unlearn. I have to start to think or see things not as a doctor. तब मेरे को लगा कि शायद मैं मेरा जो ये दिमाग का जो पिटार है उसको थोड़ा खाली करना पड़ेगा और मेरे को डॉक्टर की तरह सोचना नहीं है अभी. That probably be the first time ever that I really, really opened my ears. That's the first time ever that I start to listen. शायद वो मेरे जीवन में शायद पहली बार है जब मैंने अपने दो कान खड़े करके सुनना शुरू किया. Funny thing is that what I've heard at that time is nothing new. It's something that people try to tell me for a long, long time. But because I told myself that I knew it already, been there, done that, and that's why all of that useful information never be able to reach into my brain. वो ऐसे नहीं था कि जब मैंने जो कान खड़े किए तो जो जब मैंने आपको उन लोगों का जो सुनना शुरू किया, ऐसे नहीं कि वो कुछ भयंकर कुछ नया चीज था. वही चीज था जो लोग हरदम बोल रहे थे, लेकिन मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ये था कि मैंने अपना दिमाग, मेरा आंख, मेरा कान सब बंद करके रखा था, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ. तब मेरे को लगा जब मैंने सब कुछ खोल के जब मैंने ध्यान से सुनना शुरू किया तो मेरे को लगा अरे यार ये तो वही चीज है. लेकिन जब मैंने सुना मेरे को लगा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में. With the time we have, I'm probably going to be able to share you a few more things. जितना समय हमारे साथ आपको बचा है अभी मैं और कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा.
is a thing that people say that, oh, they use this when they choose Unity City to work with. बहुत सारे लोग आपको बोलते कि इन्होंने ऐसा किया जब उन्होंने यूनिवर्सिटी शुरू किया वैसा किया. I didn't know about this, but when I've heard they mention about this and I matched with what they told me, then I realized that, oh, that's how I thought about Unicity. That's how I chose Unicity. तो जब लोग जब बोलते थे कि यार यूनिवर्सिटी ऐसा है यूनिवर्सिटी वैसा है और यूनिवर्सिटी इस तरह से आपको लेना है, तो जब मैंने स्टार्ट किया तब जाकर रियलाइज हुआ कि यूनिवर्सिटी कैसा है. I'm talking about 6 P's in marketing. Okay, मैं अभी जो 6 P बोलते हैं मार्केटिंग में वो 6 P की बात कर रहा हूँ. Okay, I'm a doctor. I didn't know anything about marketing before. मैं आपको ऐसी इंसान हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं मेरे को मार्केटिंग के बारे में इतना पता भी नहीं था. But when I've heard about 6 P's, so please do yourself a favor, Google what is 6 P's. तो मैं सभी से निवेदन आपको करूंगा कि एक बार आप गूगल कर लीजिए 6 P क्या होता है. पी मतलब पी, 6 P, ABCD का पी होता है, इट इज 6 P, 6 P. उसको जरा एक बार देख लीजिएगा गूगल में, वो क्या होता है मार्केटिंग के हिसाब से. बिलीव मी, हियरिंग मी इज वन थिंग, बट व्हेन यू रीड इट बाय योरसेल्फ, आई एम श्योर यू कैन एग्री विद मी दैट दैट्स प्रोबेबली हाउ यू चूज दिस यूनिवर्सिटी टू वर्क विद. आप मैं बोलने में और आप खुद ही पढ़ने में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा हाँ मैंने यूनिवर्सिटी इसलिए लिया, आपको चूज किया क्योंकि ये 6 P में बहुत अच्छी तरह से आपको सेट हो सकता था. The first P is products. तो सबसे पहला P है वो प्रोडक्ट है. I'm a doctor, so when the first time I heard the product from university, I asked myself that how come I never heardabout the products from university like this before, if it's so good like this. तो जब मैंने प्रोडक्ट के बारे में सुना तो मैं अपने आप को पूछने लगा, अरे यार इतना जबरदस्त यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है तो मैंने आज तक कभी क्यों नहीं सुना, मैं तो डॉक्टर हूं. I say like this to you because I want you to know that in my life I start everything with a question. मैं मेरे जीवन में आपको चीज बताना चाहता हूं, मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं. And because I have the questions, that's why I search for the answer. तो जब क्योंकि उन लोग मेरे को क्वेश्चन